What's up guys, welcome back to another video and I hope you all are doing great. So today I'm gonna be eating homemade spicy mutton with some basmati rice and different kinds of bread which are all my favorite. Lekin hum ye dekhenge ki mutton kiske saath best lagta hai. But before that, today's video is sponsored by a Russian YouTuber named Sergi and he makes great ASMR eating videos. He has got a good multi-camera setup, he has got great lighting, he has got great sound quality and let's see yourself a quick short promo of his channel. I will put a link to his channel below in my description box. Do check him out and now let's get started. So this is it. Homemade spicy mutton with some basmati jeera rice. Or last time mere daddy ne banaya tha mutton mere liye aur is bari meri mummy ne bana rakha hai. So एक ही बात है. दिस इज बटर नान, गार्लिक बटर नान, लच्छा पराठा. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोना बी टेस्टिंग चीज नान. आज से पहले मैंने कभी चीज नान नहीं खाया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मटन बना है तो पूड़ी और लुच्छी तो ऑब्वियस सी चीज है और ये थोड़ा सा सैलेड है. लेट्स जस्ट डायरेक्टली डाइव इन टू दिस. और परंपरा पूड़ी से स्टार्ट करते हैं. पूरी स्लैश लुच्ची विद मटन. थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड. खत्म, डन, बाय. इस वीडियो के एंड में आपको इसकी रेसिपी मिलेगी, बना के देखना, ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा. लेट्स ट्राई दिस चीज नान, मैंने कभी नहीं ट्राई करी. एक होता ना मतलब छू के निकल जाना, चीज नान में वैसा वाला चीज़ है कि छू के निकल गया. टेस्ट भी आपको वैसे आएगा, मतलब बहुत हल्का सा टेस्ट आएगा बट आएगा चीज़ का. देखा, लुक एट दिस, परफेक्टली कुक्ड, परफेक्टली कुक्ड. मैं थोड़ा सा सटल रहने की कोशिश कर रहा हूँ. आज मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि वीडियो के एंड में आपको रेसिपी मिल जाएगी, खुद ट्राई करके देखना. ये मटन, मटन विद गार्लिक नान. मजा आ गया बटर नान के साथ, देखते हैं.
कलर परफेक्ट, टेक्सचर परफेक्ट, टेस्ट परफेक्ट, ग्रेवी लेते हैं, ग्रेवी। इसे बोलते हैं परफेक्टली कुक्ड। ये मटन घर में ट्राई करना, आसपास कहीं से भी अगर चीज़ नान मिल रहा है चीज़ नान मंगवाना, आप मेरे को थैंक्स बोलोगे गारंटेड। चीज़ नान, ऊपर मटन, एक हरी मिर्च भी दिख रही होगी। अभी तो मुझे पूड़ी और चीज़ नान की बहुत तगड़ी टक्कर लग रही है। मटन तो हो ही बेस्ट रहा है। और मेरे लास्ट मटन वाले वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछी थी रेसिपी, तो ये वीडियो मैं इतनी जल्दी दोबारा से इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोगों को रेसिपी मिल जाए। मेरे को नान वगैरह के साथ या किसी भी ब्रेड के साथ राइस और ग्रेवी को मिला के खाने में साथ में एक अलग ही मज़ा आता है। मटन काफ़ी हैवी है क्या, काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू चिकन। बटर नान बहुत ज़्यादा च्यूई हो चुकी है, गर्मा गर्म हो तो ही बटर नान का असली मज़ा आता है। That's a ripple. थोड़ा सा राइस खाते हैं। मुझे लगा था ब्रेड्स ज़्यादा हो जाएंगी बट आई गेस कम पड़ गई। तो फर्स्ट नंबर पे चीज़ नान है अभी मेरे लिए फ़िलहाल,
सेकंड नंबर पे है पूड़ी, और फिर थर्ड नंबर पे है मेरे पे गार्लिक नान। राइस चखते हैं। मटन का पीस, थोड़ा सा राइस, मज़ा आ गया। कंट्रोल कर रहा हूँ खुद के रिएक्शंस को, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद इसको टेस्ट करो। थोड़ा सा राइस और लेते हैं। ऑनेस्टली मैं आज भी वो बात भूल गया बोलना जो मैं सोच के आया था कि वीडियो में बोलूँगा, जो मुझे लास्ट वाले वीडियो में भी बोलनी थी, बट उसमें भी भूल गया था टेस्ट के चक्कर में, और इसमें भी भूल गया मैं खाने के चक्कर में। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली लिख के आऊँगा उस चीज़ को अपने पास एक डायरी में, और मैं पढ़ के ही बोल दूँगा, ऐसे मुझसे ना हो पाएगा। गार्लिक नान बहुत लोगों ने पिकल की भी रेसिपी पूछी है मेरे से, मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपको पिकल की भी रेसिपी दे पाऊं। सरप्राइजिंगली मुझे चीज नान और पूरी आज सेम लेवल पे लगी, बट चीज नान इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, बेहतरीन। लास्ट बाइट चीज नान, ये मुझे ऐसे भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। गजब। बोन मैरो, नली भी बोलते, आई विश
कि रोटियां मेरे पास और होती। वो था ना टेस्ट थोड़ा सा रह गया, वो है इसका टेस्ट ब्रेड्स के साथ, ब्रेड्स और होती, मजा आया था। चीज़ नान, लुच्ची, मटन और राइस का कॉम्बिनेशन इतना गजब हो रहा था जिसका हिसाब नहीं है, मज़ा आ गया। एंड आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे, आई कैच यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस। और हाँ, अब आगे आपको इस मटन की रेसिपी दिखेगी, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ इस मटन को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बाय। और ये एक पेस्ट बना रखा है जिसमें है 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार लाल मिर्च। पतंजलि सरसों का तेल यूज करा है हमने ऑलमोस्ट 2 छोटी करछी। तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा ये खड़े मसाले। फिर डालना है कटा हुआ प्याज। जैसे ही ये प्याज हो जाए थोड़े से गोल्डन ब्राउन, हमने डाल देना है 1 पैकेट जिंजर गार्लिक पेस्ट का, कसूरी मेथी। हमने ये पेस्ट बना रखा था ये हमने इसमें डाल देना है। मीडियम फ्लेम में इसे रखना है, स्वाद अनुसार नमक, और इसके ठीक बाद हमने डाल देना है टमाटर। जैसे ही तेल इसमें से अलग होने लग, उसके बाद हमने डाल देनी है इसमें कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ी देर इसे स्टर करने के बाद हमने डाल देना है इसमें 1 पैकेट मीट मसाला। आप इसकी शक्ल देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। हमने डाल देना है अपना मटन। इस मटन को हमने अच्छे से मसालों में मिला देना है, क्योंकि हम बना रहे हैं स्पाइसी मटन, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ पहाड़ी लाल मिर्च थोड़ी सी। इस टाइम पे आप इसके मसाले को हल्का सा टेस्ट करके चेक कर सकते हो, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें नमक कम ज़्यादा या फिर मीट मसाला कम ज़्यादा कर सकते हो। याद रखें इसे बीच बीच में स्टर करते रहें ताकि नीचे ना चिपके मटन हमारा। तक हमने यहाँ थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देना है, और इस पानी को हम डालेंगे गर्म होने के बाद इसमें, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी बना पाए। और तुरंत ही पानी डालने के बाद हमने इसे ढक देना है